दोस्तों, मनुष्य को अपनी तथा अपने संबंधियों की रक्षा किन किन वस्तुओं से करनी चाहिए, इसके विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानम सततम रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अर्थात बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, और समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। हर मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां पर जीवन साथी काम आता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में भी पत्नी की अहम भूमिका होती है। इसलिए विपत्ति के लिए सुरक्षित धन को खर्चा करके भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक होता है। इसका आशय यह है कि आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को धन और स्त्री की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, लेकिन इन दोनों में इतना भी ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए कि यदि धन और स्त्री का नाश हो जाए तो वह यह समझ न बैठे कि मेरा भी सर्वस्व नाश हो गया, क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है।